नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। 31 मार्च को पंजाब की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए दिल्ली से विधायक और पंजाब में पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, व्यवसायी संजीव अरोड़ा के साथ ही क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम भी तय किए गए हैं। राघव चड्ढा की बात करें तो उनकी उम्र 33 साल है। अगर वो राज्यसभा चुनाव जीतकर उच्च सदन में पहुंचते हैं तो वो सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बनेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। राघव चड्ढा ने अपनी राजनीति की शुरुआत दिल्ली से की थी। 2020 में पहली बार राघव चड्ढा ने आपके टिकट पर दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आलाकमान ने राघव चड्ढा को सह प्रभारी बनाकर भेजा था। राघव चड्ढा के अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, क्रिकेटर हरभजन सिंह को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी है। व्यवसायी संजीव अरोड़ा को भी आपने उम्मीदवार बनाया है। संदीप पाठक IIT दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्हें पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का नायक भी माना जाता है। संदीप पाठक को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का करीबी माना जाता है। इस अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।